अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। रात में नाखून काटना कैसा है? क्या रात में नाखून काटने से कोई परेशानी होती है, किसी तरीके का कोई मुसीबत कोई तकलीफ पहुँचती है? लोगों में ऐसा मशहूर है कि रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, रात में नाखून काटने से नाखून काटने वाले पर गुर्बत सवार हो जाती है, वो गरीब हो जाता है या और किसी तरीके की परेशानी उसको लाहिक हो सकती है। क्या ये बात सच है? आज आपकी खिदमत में हम यही क्लियर करने वाले हैं। याद रखें, शरीयत मुताहरा ने, इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम ने नाखून काटने का कोई फिक्स टाइम नहीं बताया है कि दिन में काटना है या दिन में इस वक्त काटना है, रात में नहीं काटना या रात में इस वक्त काटना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई मुतय्यना हदीस पाक में बात मनकूल नहीं है। अलबत्ता सफाई और सुथराई की कबील से ये बताया गया है कि नाखून काटने का जल्दी जल्दी अहतमाम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप जुमा टू जुमा नाखून काटने का अहतमाम किया करते थे। हर जुमे को आप सफाई सुथराई का जो ख्याल करते थे उसमें नाखून काटना भी था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी बात साबित है कि सफाई सुथराई और नज़ाफत के लिए हर जुमे को नाखून काटने का अहतमाम करना चाहिए। बाकी रात और दिन में काटने से कोई फ़ायदा या कोई ममानियात अहादीस में ऐसी बात मनकूल नहीं है, बल्कि हकीकत और सच ये है कि अगर आपका रात में ही ख्याल गया कि आपके नाखून बड़े हो रहे हैं काटने चाहिए और काटने लायक हो गए तो आप रात ही में काट लीजिए। रात में काटने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई गुर्बत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती। गुर्बत देने वाला अल्लाह है, परेशानी देने वाला अल्लाह है, तकलीफ़ें पहुंचाने वाला अल्लाह है, आसानियां देने वाला अल्लाह है। अगर उसने आसानी ही देनी होगी तो वो रात में काटने पर भी दे देगा। नाखून काटने ना काटने से मुश्किल परेशानी आसानी का कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी बातें आवाम में ऐसी उल्टी सीधी चली हुई हैं जिनकी इसलाह की ज़रूरत है। इसलिए इस बात को भी दिमाग से निकाल करके सही बात पर अमल कीजिए और रात में नाखून काटने की कोई ममानियत नहीं है। ज़रूरत अगर आपको रात में ही नाखून काटने की हो तो रात में ही काट लीजिए, ज़रूरी नहीं आप नाखून काटने के लिए दिन का इंतज़ार करें। अगर गलत अकीदे के साथ रात में नाखून नहीं काटेंगे तो गुनाह और मिलेगा। मिसाल के तौर पर किसी ने यह अकीदा बना लिया कि मैं रात में नहीं काटूँगा, भाई रात में काटने से आदमी परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है या गुर्बत ही आ जाती है, तो फिर ये अकीदा ठीक नहीं है। इस अकीदे को ख़त्म करने के लिए तो आप रात ही में अहतमाम करें। फिर उम्मीद करता हूँ आपको अपनी बात समझा पाया हूँ। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।